भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली की कप्तानी में एक नया इतिहास रचने जा रही है। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट 22 अगस्त से खेलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये टीम इंडिया का पहला मुकाबला होगा। इसके अलावा विराट कोहली टीम इंडिया के पहले टेस्ट कप्तान बन जाएंगे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले मैच में भारतीय टेस्ट टीम की अगुवाई करेंगे। विराट वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले पहले टेस्ट कप्तान बन जाएंगे। भारत की तरफ से वनडे विश्व कप के पहले मैच में एस वेंकट राघवन ने कप्तानी की थी। वहीं T20 विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने की थी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तान के तौर पर भारत की तरफ से ज्यादा मैच महेंद्र सिंह धोनी ने जीते थे। धोनी ने टेस्ट कप्तान के तौर पर कैरेबियाई टीम के खिलाफ कुल 5 मैच जीते थे। अब विराट के पास धोनी के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का अच्छा मौका है। विराट ने कप्तान के तौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 4 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है। विराट अगर पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर लेते हैं तो धोनी की बराबरी पर पहुंच जाएंगे। वहीं अगर वो दोनों टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो वो धोनी को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। ANP न्यूज़ रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।